हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है मेरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए मीटर, ए ये ए है इसीलिए डीप लिखें, ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखिए एक टावर है, हम पिक्चर बना चुके हैं, एक टावर हम ए बी लिए हैं, उसके बेस से एक ए मीटर के डिस्टेंस पे और एक पी मीटर के डिस्टेंस पे। ये देखिए यहाँ से यहाँ एक हम मान लेते हैं ए मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और यहाँ से यहाँ एक बी मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ठीक बोल रहा है, टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन में वो हम बना चुके हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में। आर कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है वो दोनों एंगल। ये अगर थीटा है तो ये मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट दी हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर ए बी मीटर, और इसका हाइट प्रूव हमको ए बी रूट अंडर ए बी मीटर प्रूव करना है। तो आइए बनाते हैं, पहले लेट ए बी यानी कि हाइट ए बी इक्वल टू ए बी बी द एच, हम इसको एच मान लिए, ठीक हाइट को एच मान लिए, और मेरा क्या है बी डी बराबर बी है, यहाँ से यहाँ बी डी बराबर बी है और बी सी बराबर ए है। अब यहाँ पे इन ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी में हम टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे पी बाय बी होता है, तो टेन थीटा होता है पी बाय बी। टेन थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा है यहाँ पे, और पी बी मेरा है, मेरा यहाँ है पी मेरा परपेंडिकुलर ए बी, और बाय बी है मेरा बी डी। तो अब यहाँ लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कोट थीटा बराबर ए बी मेरा कितना है एच और बी डी मेरा कितना है बी। तो इसको यहीं तक रहने दीजिए, कोट थीटा बराबर इतना आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा, कोट थीटा को 1/10 थीटा, तो एच बाय बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच 10 थीटा बराबर बी। अब 10 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बी बराबर बी बाय 10 थीटा, ये यहाँ तक। अब दूसरा ट्रायंगल में बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, 10 थीटा लगाएंगे फिर से पी बाय बी यानी कि ए बी बाय बी सी, 10 थीटा के जगह थीटा ही रहेगा यहाँ पे, बराबर ए बी मेरा एच और बी सी मेरा ए, टोटल है बी सी मेरा ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 थीटा ए 10 थीटा बराबर एच, ये आ गया। यहाँ से देखिए एच बराबर इतना आया, यहाँ से एच बराबर इतना आया, तो हमको हाइट को रूट अंडर टू ए बी प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, बोथ हाइट मल्टीप्लाई इच अदर, दोनों हाइट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा एच इंटू एच, ठीक बराबर हो जाएगा ए 10 थीटा इंटू बी 10 थीटा, ये 10 से ये 10 कैंसिल, एच स्क्वायर बराबर ए बी और एच बराबर रूट अंडर ए बी हम प्रूव कर दिए, तो लिख देंगे नीचे हिंस वी प्रूव एच बराबर रूट अंडर ए बी।
तो इसी तरह प्रूव करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।